यहाँ पे एंड हाँ नहीं मैं देखो ऐसा है ना, ये ना काटने वाले लोग ना बीच में आ जाते हैं, अभी सेकंड लाइन आपने बोलनी नहीं, मेरे को स्क्रिप्ट बीच में अटका दी जी, प्लीज थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स यू नो मेन कॉम्प्लीमेंट वुमेन, वुमेन कॉम्प्लीमेंट मेन, एंड कामनेस होती है ना वो देखने को मिल रही है इसमें, एंड दैट्स लाइक वन अमेजिंग थिंग. आई वुड लाइक टू से दैट ही इज द आईफिल टावर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. यू नो आई कंपेयर हिम टू द आईफिल टावर बिकॉज बड़ा सिंपल होता है देखने में, ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो एक खाली टावर सा है, लेकिन बड़ा बड़ा इंट्रीगिंग होता है, बड़े हिसाब से बनाया होता है. सो दैट इज रितेश भाई फॉर यू. यहाँ पे वट वील डू इज वील टेक अ लुक एट द ट्रेलर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ऑन स्टेज. जोरदार तालियां हो जाए फॉर द मैन जिनको कोई गिमिक से मतलब नहीं है, सिंप्लिसिटी इनका दूसरा नाम है, बड़ी सादगी से चलते चले जाते हैं. कंग्रेचुलेशंस you know on the amazing response that the trailer's got. Thank you for waiting and also now you know inviting on stage the man kya bole yaar inki bhel khayi thi pehle dekho ye hai Ritesh bhai for you bhel khayi thi wo lagi reh gayi thodi si. Give it up for Nawazuddin Siddiqui, ladies and gentlemen, come and make some noise. Nawaz bhai, welcome. Amazing work sir, matlab aisa lag raha hai सच में कोई पीछे पड़ गया है गेट वे पे कि यार कितनी नहीं खींचनी यार तेरे संग, नहीं खिंचानी फोटो मुझे. गिव इट अप फॉर सानिया मल्होत्रा लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां, कम ऑन यार, बहुत अच्छा काम किया है, तालियां बनती हैं यहाँ पे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, मुझे ये बोले वो ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई आदमी स्टॉक कर रहा है गेट वे ऑफ इंडिया पे. वो हाउ डिड यू डू इट यार, वो सीन कैसे हुआ था जहाँ वो पीछे चले जा रहे हैं, कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हैं, जस्ट चलते जा रहे हो अपने सीन में, पहला सीन? उसके तो हमने बहुत सारे टेक्स लिए थे, बहुत सारे, कुछ 30-35 टेक्स. नहीं वो हर फिल्म मैंने मतलब हमारी फिल्म में सारे सीन्स के साथ यही होता था, तो हम 30-35 टेक तो बहुत नॉर्मल थे. 30-35 नॉर्मल थे. हाँ मतलब ये नहीं कि चीजें होती नहीं थी, पर रितेश को अच्छा लगता है कि हम इम्प्रोवाइज करें और हर सीन में हम कुछ नया नया करते हैं. राइट राइट, यू नो व्हेन यू हैव सच ब्रिलियंट एक्टर्स तो उस समय वो कितना खुद को सैटिस्फाई करना is really difficult, kya yaar nahi inse aur nikalwa sakta hu, aisi feel aati hai? Nahi, it was very easy to work with them. But we just had such a nice collaboration that you know we used to keep doing things right over and over and over till all of us were happy. Right, yeah. This is not the first time you've worked with Nawaz bhai. No, second time. Yes, so mujhe ye bataye ki ab to he's a superstar, matlab super duper star, to thoda tantrums diye, thoda attitude please, thodi controversy do yaar, thoda controversial hona chahiye yahan pe. नहीं दिया क्या कुछ, प्लीज प्लीज से समथिंग ना, कुछ बना दो क्या. कोशिश की थी मैंने देने की, मगर इनसे हो नहीं पाया. एक्चुअली नवाज इज प्लेइंग हिमसेल्फ ओनली इन द मूवी, इन दिस मूवी, सो आपको असली नवाज देखना है तो 15th मार्च को आइएगा. ही इज सो कूल, ही इज सो कूल इन दिस, एकदम बिल्कुल वो नेचुरल, कोई कुछ कर सकता है तो शायद आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता नवाज भाई. यू नो अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में हमने देखा है कि ये जो ये कैरेक्टर है ऐसे बहुत सारे लोग और बड़े सारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी घूमते नजर आ रहे हैं, पीपल आर वेरी हैप्पी. हाँ ये देखो यहाँ भी बैठे, पीपल आर वेरी हैप्पी कि हमने नवाज के साथ फोटो खींच ली यार. तो कैसा लगता है अभी हर जगह आप ही दिख रहे हो और इतनी तारीफ हो रही है? ठीक है यार, अच्छा है, क्या बोलूं. अच्छा चलो आई लाइक इट. हाँ नहीं, तारीफ करनी है. देखो मैं ये आप लोगों से, मुझे बोला गया था ये बड़े सादगी वाले लोग हैं, इनसे कुछ तो निकलवा के रहना है. मुझे बोले टुडे यू नो व्हेन यू लुक बैक यू कम अ लॉन्ग वे, एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग वे, इट्स लाइक टू द मून एंड बैक और उससे भी दूर तक. कैसा लगता है? यार काम कर रहे हैं, बहुत साल तक काम नहीं मिला था, अभी मैं काम कर रहा हूँ. एक्चुअली मुझे याद है जब मैं नवाज के साथ पहली बार मिला था, जब लंच बॉक्स की बात हुई थी, बट obviously it was like I wanted to cast him, I'd seen him in Peepli Life and I thought he was just amazing in that movie, so I thought agar recently na bol diya to problem ho jayegi. So when I first saw Nawaz, so we met in a cafe, so fir I saw him and he was wearing chappal and you know he then we spoke about the movie and then I was thinking that iska to bill mujhe hi dena padega. but now when I go with him somewhere mujhe lagta hai inko hi dena chahiye bill. We love you guys. वो change आया है. On the screen और ऐसे भी, and पहली बार देखो, इसका credit मैं लूँगा. पहली बार ऐसे शर्माते हुए देखा है कभी नवाज भाई को? देखो मतलब आँखों में एकदम ऐसे चले जा रहे. I know you guys have a lot of questions, so we'll take your questions now. So जी यहाँ कोई सवाल हैं? सवाल, you know English suddenly. जी we'll start with you. जी
So Ritesh, why did you choose this song? I mean, it's very, I love the picturization and the whole feel of it. It's like, so why did you, any particular reason? Actually, ये song launch है, मगर picture में कोई गाने नहीं है. नहीं, ये गाना है actually picture में. They go for a movie in the movie, and this song is going on in the movie that they are watching in the movie. तो अभी song launch तो करना पड़ता है मैम, अभी हिंदुस्तान है तो. मगर ये गाना, I love this song, and it actually suits the time in the movie when they go on there to watch the movie. So Also, both of you like working again. Like, what's the any change in the process you saw with Nawaz and Nawaz working with Ritesh again? So, what? How was the feel this time? How was the experience this time? Ritesh का ये था क्योंकि lunch box की थी हमने साथ में, तो मुझे उसमें जो Ritesh जो deal करते थे actor को, वो बहुत ही अलग तरीके से था उसमें, जो मुझे काफी liberty दी उन्होंने उसमें उस वक्त पे. आई थॉट के उसी तरीके से काम होगा लंच इसमें फोटोग्राफ में भी, बट बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस थी रितेश की इसमें, क्योंकि डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी सारी चीज़ें, थॉट चेंज होते हैं ये वो हर समय, तो हमें डील करने का तरीका बिल्कुल अलग था रितेश का, जो एक्टर्स थे उनको सबको, और उनके अकॉर्डिंगली मतलब काफ़ी चेंज था उनका जो प्रोसेस था इस फोटोग्राफ में. नहीं मैम, वो लंच बॉक्स में तो जो सीन्स हम नवाज के साथ कर रहे थे उसमें खाली एक ही आदमी बोल रहा था नवाज, तो इसलिए उनको ढील दी गई थी कि कोई तो कुछ बोले इस पिक्चर में. मगर दिस टाइम इट वाज, आई रियली लव, बिकॉज द मोर यू वर्क टुगेदर विद एक्टर्स, इफ यू कीप वर्किंग विद द सेम पर्सन, यू गेट मोर कम्फर्टेबल एंड द मोर यू नो अबाउट देम. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक वी ऑलरेडी न्यू ईच अदर, वी ऑलरेडी फ्रेंड्स. So it was much, I found it much easier to work with him this time. Sania, hi. Recently you... Hi. Abhishek here from Network 18. Hi, Abhishek. Recently you went to Gateway and interacted with the real photographers. So how was your experience with them? It was amazing. In fact, when we were shooting for Photograph, I met a lot of them. They were so nice to me. We got pictures clicked or... बड़ा मजा आया. एंड रियल लाइफ में नवाज कितने अच्छे फोटोग्राफर हैं. हाँ सर, मैं चाहता हूँ इतना कोई खास नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में फोटोग्राफ. मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों को दिखाता हूँ उनको बहुत बुरा लगता है वो. ये क्या है, तो कोई भी खींच लेगा, ऐसा है, कोई खास मेरी स्पेशलिटी नहीं है. एंड एक बात हम देखते हैं, जब भी कोई फिल्म आती है उसके मीम्स जो हैं वो काफ़ी हिट हो जाते हैं. आपकी भी आई थी नवाज, और आपकी सानिया, आपकी भी सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं. हाउ डू यू लुक एट दोस मीम पर्सनली? मेरा मीम, मेरा एक है बहुत फनी है. तो फनी है मतलब मजा आता है. आई लाइक ऐसा, आई लव सोशल मीडिया, आई विल शो इट टू यू, इट्स हिलेरियस. नवाज भाई आपके? मैं बीच-बीच में देखे मैंने तो आते हैं, तो ठीक है जो अपने अपना. आपको नहीं अच्छा लगता है? कुछ बीच में आते हैं, कभी कभी लगता है कि काय को कभी कभी अच्छा लगता है. नवाज और सानिया, आप दोनों के लिए सवाल है. हाँ जी. मधु बीबीसी हिंदी से. एक्टर्स के लिए फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. फोटोग्राफ्स अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो से आगे बहुत मौके मिलते हैं. लाइक तो आप दोनों को याद है पहला पोर्टफोलियो कैसे हुआ था और कितना फ़ायदा हुआ उस पोर्टफोलियो से? मैंने कभी अपना पोर्टफोलियो क्लिक नहीं करवाया, कभी भी नहीं. मैं इनफैक्ट अपना फेसबुक का डीपी भेजती थी फॉर ऑडिशंस. क्यों, कोई और भी कर चुका है सर? हाँ, यू हैव डन दैट? हाँ, मतलब फेसबुक डीपी या खुद से कुछ खींचाओ वो भेज देती थी. और नवाज आपने फोटोज आपने दिए हो ऑडिशंस के लिए इन सब के? हाँ, हम लोग बहुत सारे एक्टर आए थे जब 2000 के आसपास, तो उस दौरान एक जूहू में एक शॉप थी संदीपन, अभी भी है वो, वहाँ पे फोटो खिंचवाते, सेम जैकेट सब पहन के खिंचवा देते थे. तो वो फोटो सब जगह बांटते थे हम लोग. तो उससे एक बार क्या, वो उसने बहुत सॉफ्ट लाइट कर दी, तो उसमें मैं थोड़ा गोरा दिख रहा था. तो मैंने जब जाके फोटो दिए, आई थिंक एक ऑफिस था जूहू में भट्ट साहब का, वहाँ पर मैंने वो फ़ोटो दिया, और मुझे कॉल आ गई एक सॉन्ग के लिए, कुछ वीडियो सॉन्ग के लिए. तो
मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्योंकि मैं कोई इतना उसमें बहुत अच्छा रोल था, वो फोटोग्राफर है, वो इस तरह का रोल था, और वो लड़की एक मॉडल है, खूबसूरत सी मॉडल जो उसके ऊपर पागल है उस फोटोग्राफर के ऊपर, तो मैं सेलेक्ट हो गया फ़ोटो से। लेकिन जब मैं ऑफिस में गया, वो पर्सनली मुझसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि दिखने में रियल लाइफ में देखने में कैसा लगता है। जब मैं पहुँचा ऑफिस तो जो डायरेक्ट करने वाली थी लेडी थी वो आई, तो किसी ने बताया कि नवाज़ आ गया। तो मैं जब पहुंचा तो वो ढूंढ रही, मैं वहीं खड़ा हुआ, तो कहाँ है नवाज़, कहाँ ऐसे मैंने, मैडम मैं हूँ नवाज़, मैं, तो बोले आप हैं, अच्छा फ़ोटो में तो कुछ और दिख रहे थे आप। मैंने हाँ वो वहाँ पे खिंचवाया था जो हमें सॉफ्ट लाइट में थी ये, तो बट मैं ओरिजिनल तो मैं ऐसा ही हूँ। तो उसके बाद मेरा कास्टिंग नहीं हुई उसमें, किसी और को कास्ट कर लिया था। तो फिल्टर लगाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी आज हमें पता लग गया ये। ऑलराइट, वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन। जी मेरा सवाल आप तीनों से है, नवाज और रितेश को तो हम जानते ही हैं, साथ में अगर हम सानिया की बात की तो करें तो वो उसने, तुमने भी काफी ऑफबीट फिल्म्स की हैं, पटाखा और दूसरी तरह की, जब तीन ऐसे लोग मिल जाएं जो बिल्कुल अलग तरह का विद्रोह करके अपनी लीक से हटकर कुछ चीज करना चाहें, तो उनके बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस कितने होते हैं? तीन ऐसे लोग जो बिल्कुल अलग तरह का करने का जज्बा रखते हो, वो अगर एक साथ मिल जाए और काम, जैसे बताया ना कि इतने इतने रीटेक्स होते थे एंड ऑल, तो उसमें कितना क्रिएटिव डिफरेंसेस होता था आप तीनों के बीच? मेरी तो ये दूसरी फिल्म थी और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। ऐसा कभी कोई ऐसा डिफरेंसेस आए नहीं, इनफैक्ट हमने सेट पर ही रितेश ने काफ़ी कुछ रीराइट किया स्क्रिप्ट को, और जैसा जैसा होता जा रहा था शूट वैसे ही हम कुछ अलग अलग और कुछ नया डाल रहे थे फिल्म में। और नवाज जी आपका, आप बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ था। जी रितेश जी, इसमें जो सॉन्ग आपने लिया है उसको देखकर हम क्या माने कि ये फिल्म किस जमाने की है? इसमें तो आज के जमाने की है। जी लेकिन फिर भी ये लोग कोई दूसरे जमाने के हैं जो आज के जमाने में अटक गए हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ मगर आज के टाइम की फिल्म है जो आजकल हो रहा है, कंटेम्प्रेरी। या कंटेम्प्रेरी। हाँ जी, हाय नवाजुद्दीन, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा कि आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं हैं, लेकिन अगर आप अच्छे फोटोग्राफर होते तो बॉलीवुड में साना के सिवा आप किसकी फोटो खींचना चाहते हो और क्यों, किस एक्ट्रेस की? कैटरीना कैफ ने इनसे सजेशन लेना पड़ेगा जब बैठ बताओ ना किसकी फोटो खींचना चाहते हो ज्यादातर, कैसे किसका सर ये लोग तो रोज खींचते हैं, आप अपनी बताइए। हाँ करीना कपूर। सर रीजन, एनी रीजन? वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। फोटो देने में भी अच्छी हैं वो, पॉजिंग ये सब बहुत अच्छा, उनका स्टांस बहुत अच्छा लगता है। हेलो रितेश, माय नेम इज संदीप एंड आई फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स ऑनलाइन। I would just want to ask you that the fact that you have retained the original song in the film, and nowadays we see a lot of remakes of the, rehashes of the original songs for that matter. So what exactly made you keep, you kind of stick to the idea of keeping the original song in the film? It's a lovely song, obviously. Sir, besides that. Mohammad Rafi ka kaise remix karega abhi? You never know. Unfortunately, आजकल सबका remix होता है। लता मंगेशकर का remix हो रहा है, आशा भोसले का remix हो रहा है, तो सब मतलब मोहम्मद रफी thankfully चलो, अभी तक कोई किया नहीं। उस दिन घर जा रहा था, I saw लता मंगेशकर in a car, मैं signal पे, तो I was actually talking to my mom, so I said I just saw लता मंगेशकर, मैं signal पे हूँ, मैं mom said लता मंगेशकर signal पे गा रही है। Okay. Actually, I don't. The thing is that the movie, they go to watch an old movie. So they go to watch the movie that this song is from. So I think it's a very natural fit. Yeah, it was a very natural thing to do and to do that. But yeah, I don't think we would. It's not the kind of movie where we would
remix a song, you know. Mm-hmm. And at the same time, you know, after watching the trailer, the song especially, I kind of felt that, you know, there's a lot of the old Bombay, you know, vibe to the screenplay. Especially it kind of took me back to Basu Chatterjee's Choti Si Baat kind of screenplay. So was there any inspiration or, was it a deliberate attempt or what was it? You know, I left Bombay when I was 19. Mm-hmm. And so for me, it got stuck over there. I see. It happens to everybody who leaves the country. So the country gets stuck in that time only. Mm-hmm. So I look at it from a lot of nostalgia. But if somebody is, you know, somebody's in their 20s now and a younger filmmaker, he can make a movie about Bombay today and contemporary characters better than I can. Mm-hmm. But all my characters are always old worldly. They're always looking for old things and talking about how things used to be. And mm-hmm. But I like that stuff. So I think everybody should do what comes from their heart. And that's how they can, you know, succeed if they can, if they have a chance. But yeah, I love the time when I grew up. So, and the things that used to be there, those things interest me a lot. All right, okay. Thank you so much. We'll just take one last question. Ji. You want the नहीं मतलब हर कैरेक्टर का कुछ अलग ही चीज़ होती है इसमें दो देयर इज़ नो लाइक ऐसा कोई डायलॉग नहीं है पर मैं पूरा टाइम सोचती रहती थी कि वो क्या सोच रही होगी तो पता नहीं अब वो स्क्रीन पे दिखेगा या ऑडियंस समझ पाएगी वो मुझे नहीं पता है बट डिफ़िकल्ट नहीं था और जब आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ और अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो आपका काम वैसे ही ईजी हो जाता है पहला डायलॉग शायद आधे घंटे बाद आता है आधे घंटे बाद आता है आधे घंटे बाद तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा इनकी आवाज सुनने पर टिप्स किस चीज के लिए वो एक फेशियल एक्सरसाइज करते हैं हर टेक से पहले तो पहले तो जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये क्या कर रहे हैं करके कुछ करते हैं बट मैं उनसे पूछती भी थी सर ये क्या कर रहे हो आप तो उन्होंने मुझे बताया ये फेशियल एक्सरसाइज है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जॉ और मुझे दूसरी फिल्म से ही मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया होपिंग कि मैं भी शायद इनकी तरह अच्छी एक्टर बन जाऊं यू आस्क मी इट वाज वेरी गुड यार मैंने एक्चुअली बर्लिन में मैं खिसक गया था 1800 पीपल वर वाचिंग द मूवी तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था तो मैं निकल गया था आई वेंट टू हैव सम ड्रिंक्स और फिर मैं एंड में आया पर नवाज भाई ने पूरी पिक्चर देखी बर्लिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि वहाँ टिकट लेके देखते हैं ना 15 मार्च को साफ बता दिया आप लोग भी जाइए टिकट खरीदिए और ये फिल्म देखिए नाम है फोटोग्राफ रितेश बत्रा सानिया मल्होत्रा एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच थैंक यू यस वील हैव अ क्विक फोटो ऑप जी आई विल टेक कल आ रहे हैं ना सर आप लोग स्क्रीनिंग के लिए हाँ कल संडे को फॉर फोटोग्राफर्स हाँ
रहा है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. करेंगे सोलो, कैमरा चाहिए. Sanya, we'll do a quick solo.